हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आज की जो वीडियो केवल वो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कैसे पहचानेंगे और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे हम बनाएंगे, सब कुछ हम जानेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस जो वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट की, और पहले भी बता चुका हूँ इंडेफिनिट टेंस के बारे में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, तो वो भी आप देखें ताकि आपका जो बेसिकली सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं पवन सर आप सबका वेलकम बैक करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पवन सर कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप पहले भी आ चुके हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, तो आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में, पास्ट परफेक्ट के बारे में थोड़ा समझेंगे हम। समझदार सभी हैं, सभी को आता है, लेकिन थोड़ा हम बता दें। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसमें अकेले एक ही आएगी, हाइट, जो सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज होगी, चाहे वो सिंगुलर हो या हो प्लूरल। क्लियर? अब इसमें भी जो वर्ब फॉर्म है कौन सी आनी है, थर्ड आनी है। इसमें एक तरीका पहचानने का हिंदी में, चुका, चुकी, चुके के साथ था, थी, थे आएगा। जैसे हम दिल दे चुके थे सनम। क्लियर? आगे, या फिर इसमें मात्राओं में आ, ई, ए, ओ के साथ में हम था, थी, थे लगाएंगे तब। तो ये हमारे एक इंडिकेशन है पहचानने की, सेंटेंस की। तो इसे हम पहचान लिया, ऐसे हिंदी में लिखा रहेगा आखिरी में, लिखा तो बहुत कुछ रहेगा लेकिन आखिरी में पहचान उससे, इन चीज़ों से हमारी होगी। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, उनके भी हम सेंटेंस बना के देख लेते हैं और समझ जाते हैं। तो फिर आए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हम। तो इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं अफर्मेटिव में, वो हम देख लेते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो अफर्मेटिव में हम चलेंगे, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हेड, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे उसने हरी सब्जियाँ खाई थी, थी पास्ट, ई मात्रा, पास्ट परफेक्ट। या फिर वह हरी सब्जियाँ खा चुका था, पास्ट परफेक्ट। ही हैड ईटन ग्रीन वेजिटेबल्स, उसने हरी सब्जियां खाई, तो क्या हमने घास खाया? छोड़ो, आगे देखो। प्राचार्य ने नियम बनाए थे, बनाए थे, प्राचार्य नियम बना चुके थे। क्लियर? तो यहाँ पे द प्रिंसिपल हैड मेड रूल, सभी जानते हैं प्राचार्य नियम बनाते हैं लेकिन बच्चे नियम तोड़ देते हैं। तो आगे आते हैं, आगे बढ़ेंगे हम समझेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें नेगेटिव बनाएंगे हम। नेगेटिव का सिंपल स्ट्रक्चर है, सब दिख रहा होगा आपको, बस हमें केवल यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या लगाना है, नोट का यूज़ करना है। जैसे चपरासी ने दरवाज़ा नहीं खोला था, था पास्ट, मात्रा परफेक्ट, नहीं के लिए क्या हो गया, नोट हो गया। तो चपरासी ने दरवाज़ा नहीं खोला था, तो प्योन हैड नॉट ओपन द डोर, ऐसे आएंगे। उसने धोखा नहीं दिया था, पास्ट, मात्रा परफेक्ट, नहीं के लिए नॉट, तो सी हैड नॉट डिसीव, उसने धोखा नहीं दिया, धोखा तो सारा जमाना दे रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव देखते हैं, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ इंट्रोगेटिव में सेंटेंस लिखे हैं। तो इंट्रोगेटिव में हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम हेड लेंगे हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे, मार्क सब कुछ वैसे का वैसे रहेगा। तो क्या सिपाही ने सबको सूचित किया था, पास्ट, मात्रा परफेक्ट, आखिरी में हसिया, और यहाँ पे स्टैंड लिखा है क्या, मतलब इंट्रोगेटिव। सो हैड द सोल्जर इन्फॉर्म टू ऑल, एक और लिखा है क्या आपने रक्तदान किया था, सो हैड यू डोनेटेड ब्लड, ये हमारा हो गया। रक्तदान करें समाज के लिए, देश के लिए, आगे बढ़ें। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। मैंने बता दिया है प्रॉपरली हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो चुका, सब कुछ है। आने वाले वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं लाइक करें, शेयर्स करें। आज के लिए इतना ही, बहुत था, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।